କଲିକତାରେ ପାଳିତ ହେଉଛି ଅର୍ଦ୍ଧ ନାରୀଶ୍ୱର ଦୁର୍ଗାଶବ ଗାରିମା ଗୃହରେ ଦୀର୍ଘ 6 ବର୍ଷ ହେଲା ପାଳୁଛନ୍ତି କିନ୍ନରମାନେ। ହେଲେ କିନ୍ନରମାନଙ୍କୁ ମିଳୁଛି ତ ମୌଳିକ ସୁବିଧା? ମମତା ସରକାରରେ ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି ତ କିନ୍ନରମାନେ? ଏକ ଅଧ୍ୟୟନରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ସମଗ୍ର ଭାରତ ବର୍ଷରେ ପାଖାପାଖି 20 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ କିନ୍ନର ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ମନୁଷ୍ୟ ରୂପରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କିନ୍ନରଙ୍କୁ ଏକ ଅଭିଶପ୍ତ ଜୀବନ କଟାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ। ସେମାନଙ୍କୁ ସମାଜରେ ଏକ ଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବା କାରଣରୁ ତାଙ୍କ ମନୋବଳ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥାଏ, କାରଣ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନା ରୋଜଗାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ନା କୌଣସି ପରିବାର। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କଲିକତାରେ କିପରି ଅଛନ୍ତି କିନ୍ନର ସମାଜ। ମମତା ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କଲିକତାରେ ବସବାସ କରୁଥିବା କିନ୍ନରମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ମିଳୁଛି କି ନାହିଁ, ଏସବୁ ପରଖିବା ପାଇଁ ଅର୍ଗସ ଟିମ୍ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଥିଲା କଲିକତାର ଗାରିମା ଗୃହରେ, ଯେଉଁଠି ଚାଲିଥିଲା ସେମାନଙ୍କ ଦୁର୍ଗାପୂଜା। देखिए, हम लोग भिन्न कुछ नहीं है। ये जो रूप है हर पार्वती का, हर गौरी का, ये है। ये माइथोलॉजी में भी था, हमारा संविधान में भी है, पर ये बहुत सारा जगह से इतना पैट्रियकल हो गया है समाज, पुरुषतांत्रिक समाज में इन मूर्ति को हम लोग दर्शाता नहीं है, पर ये मूर्ति था, ये है, और ये मूर्ति का ही प्रचलन हम लोग कर रहे हैं। और सबसे ज्यादा इस पूजा करने का यही बात है, जो जहाँ पर भी हम लोग पूजा पंडप में जाते हैं वहाँ पे स्टिग्मा डिस्क्रिमिनेशन हमें फेस करना पड़ता है। इस जगह से ये पूजा, इस पूरा पूजा का आयोजन किन्नर समाज ही करते हैं। दुर्गा पूजा पाई चलचंचल कलिकता शहर धरावतरण करिछंती शक्ति स्वरूपिणी दुर्गति नासिनी जगत जननी माँ दुर्गा। माँ को आगमन रे चारियाड़ी उत्सव मुखर परिवेश। आज ये 6th ईयर है हम लोग का अर्ध नारीश्वर पूजा का, और ये जो मेल बंधन है जो हम लोग भेदभाव के अगेंस्ट में हम लोग बात कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, और हम लोग एक साथ लड़ने का, चलने का, और सुप्रीम कोर्ट का जो राय है ये बहुत आशावादी है हम लोग, और आगे एक साथ सब भेदभाव, ऑल डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट ऑल द ऑडिटीज ऑफ द सोसाइटी, हम लोग पेट्रियकी, पुरुषतंत्र, पितृतंत्र के विरुद्ध में हम लोग का जो लड़ाई वो जारी रहेगा। कलिकतारे किन्नर समाज को मानव समाज रो मुख्य स्रोत रे शामिल करी निज अधिकार साबित करबा पई कलिकतार गारिमा गृह रे दीर्घ 6 वर्ष हेला पालित हेउची अर्ध नारीश्वर दुर्गाशव। वर्तमान समाज रे भी सेमाने शिक्षा, स्वास्थ्य भली मौलिक अधिकार पाइबारु वंचित। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଲିକତାରେ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଅନେକ ଜାଗାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଟାହି ଟାପରାର ଶିକାର ହେବାକୁ ପଡୁଛି, ଯାହା ବିରୋଧରେ ସେମାନେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ସରକାର ସେମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହାର ସମାଧାନ ହେଉ ବୋଲି ଦାବି କରିଛନ୍ତି କିନ୍ନରମାନେ। କଲିକତାରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ପ୍ରଦୀପ୍ତି ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସହ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। जदि आपन को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।